आगे सबक देखिए भाई, व यरिदु अलल काइदति सानियति व हुवा कौलुहु व ला सिफतुन इला मौसूफिहा मिस्लु जर्दु कतीफतिन व अखलाकु थियाबिन फइन असलहुमा कतीफतुन जर्दुन व थियाबुन अखलाकुन قُدِّمَتِ الصِّفَةُ عَلَى الْمَوْصُوفِ وَأُضِيفَ إِلَيْهِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُتَأَوَّلٌ। भाई गुजश्ता सबक में साहिब काफिया ने आपको दो जाब्ते बतलाए थे। पहला जाब्ता ये बतलाया था कि मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ जायज नहीं, यानी के तरकीब वस्फी वाले माने को बरकरार रखते हुए मौसूफ की इजाफत कर दी जाए सिफत की तरफ, यह जायज नहीं। और दूसरा जाब्ता यह बतलाया था कि सिफत की इजाफत भी मौसूफ की तरफ जायज नहीं। वजह यह कि एक तरकीब वस्फी है और एक तरकीब इजाफी है। तरकीब वस्फी का फायदा और तरकीब इजाफी का फायदा और है, तो दोनों में से एक तरकीब भी दूसरी तरकीब के कायम मकाम नहीं हो सकती। तरकीब वस्फी इस बात का फायदा देती है कि एक चीज दूसरी चीज के साथ मौसूफ हो रही है। ज़ैदुनिल आलिमो, जैद मौसूफ है और अल आलिम उसकी सिफत है, तो यह जैद मौसूफ हो रहा है अल आलिम के साथ। और इसी तरह रजुलुन शुजाउन, रजुलुन मौसूफ है और शुजाउन उसकी सिफत है, तो यह रजुलुन शुजात के साथ मौसूफ हो रहा है। तो तरकीब वस्फी जो है वो इत्तेसाफ शैइन बिशैइन का फायदा देती है, जबकि तरकीब इजाफी वो एक चीज की इजाफत और निस्बत का फायदा देती है कि एक चीज की निस्बत की जा रही है दूसरी चीज की तरफ। जैसे गुलाम ज़ैदीन, इसमें गुलाम मुजाफ है और ज़ैदीन मुजाफुन इलैह, और इस गुलाम की निस्बत जैद की तरफ की जा रही है कि यह जैद का गुलाम है, यानी वो मुराद है, कोई और इससे मुराद नहीं है भाई। तो लिहाजा जब तरकीब वस्फी का फायदा और तरकीब इजाफी का फायदा और, तो फिर तरकीब वस्फी वाले माना को बरकरार रखते हुए इजाफत जायज नहीं, ना तो मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ और ना सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ, क्योंकि दोनों का फायदा अलग अलग है भाई। जबकि इसके मुकाबले में उलमाए कूफा फरमाते हैं कि मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ जायज है। जैसे अल मस्जिदुल जामियु, अल मस्जिद मौसूफ है और अल जामियु उसकी सिफत है, लेकिन हमने अरबों से सुना है कि इसके अंदर वो मौसूफ की इजाफत कर देते हैं सिफत की तरफ, मौसूफ से अलिफ्लाम खत्म कर देते हैं, तो मौसूफ से अलिफ्लाम खत्म करके उसकी इजाफत कर दी जाती है सिफत की तरफ। तो चुनांचे अल मस्जिदुल जामियु, इसके अंदर वो मस्जिदुल जामिया भी कहते हैं, मस्जिदुल जामिया मुजाह मुजाफिले बनाकर, और फायदा वही होता है, यानी जो माना अल मस्जिदुल जामिया तरकीब वस्वी में था इजाफत वाली तरकीब में भी वही माना है। नीज इसी तरह अरबी में कहते हैं जानिबुल गर्बी, ये भी असल में मौसूफ सिफत थे, अल जानिबुल गर्बी यू, फिर इस मौसूफ की इजाफत कर दी गई तो जानिबुल गर्बी हुआ। इसी तरह सलातुल उला असल में था अस्सलातुल उला, अस्सलात मौसूफ था और अल उला उसकी सिफत, और फिर इजाफत कर दी गई सलातुल उला, और बेआइन ही इसका वही माना है जो मौसूफ सिफत वाली तरकीब का था। और इसी तरह अल बकलतुल हमका था, फिर इसकी इजाफत कर दी गई और बकलतुल हमका इजाफत के साथ कहते हैं, और माना अभी भी वही है जो तरकीब वस्फी वाला था। तो साहिब काफिया पर एतराज होता है कि ऐ साहिब काफिया, आपने तो कहा मौसूफ की इजाफत सिफत की तरफ जायज नहीं, जबकि हमने अरबों से सुना है मस्जिदुल जामिया, जानिबुल गर्बी, सलातुल उला और बकलतुल हमका वगैरह जैसी मिसालों में। और नीज दूसरा जाब्ता आपने बताया था कि सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ नहीं की जाती, लेकिन हमने अरबों से सुना है जैसे
सियाबुन अखलाकुन, ये आपस में मौसूफ सिफत थे और अखलाक का माना पुराने, तो सियाबुन अखलाकुन ऐसे कपड़े जो पुराने हैं। तो अब अखलाक सिफत थी लेकिन इसको मौसूफ पर मुकदम करके इस मौसूफ की तरफ इस सिफत की इजाफत कर दी गई। चुनांचे अरबों से हमने सुना है वो अखलाकु सियाबिन भी कहते हैं। इसी तरह कतीफतुन जर्दुन, कतीफा मखमली चादर को कहते हैं, वो कपड़ा जिस पर छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं, और जर्दुन का माना है बेबाल, यानी घिसी हुई, जो घिस गई है, बाल जिसके उड़ गए हैं। तो कतीफतुन जर्दुन, कतीफा मौसूफ था और जर्दुन उसकी सिफत, लेकिन हमने अरबों से सुना है कि ये जर्दुन सिफत को वह मुकदम करके मौसूफ की तरफ इसकी इजाफत करके जर्दु कतीफतिन कहते हैं। तो साहिब काफिया पर एतराज हुआ कि आपने तो कहा सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ जायज नहीं, हालांकि हमने अरबों से जर्दु कतीफतिन और अखलाकु सियाबिन सुना है, और इस किस्म की तरकीबों में सिफत की इजाफत हो रही है मौसूफ की तरफ। तो साहिब काफिया ने इनका जवाब दिया था कि इनमें तावील की गई है। चुनाचे वो फरमाते हैं मस्जिदुल जामिअ, ये असल में है मस्जिदुल वक्तिल जामिअ, मस्जिदुल वक्तिल जामिअ, यानी वो वक्त जो लोगों को जमा करने वाला है, यानी जुम्मे का दिन जो है उसकी मस्जिद, यानी जिसमें जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। और जानिबुल गर्बी, इसमें तावील की गई है जानिबुल मकानिल गर्बी ये, व सलातुल उला, और इसमें तावील की गई है सलातुस साअतिल उला। तो अल उला सलात की सिफत नहीं है बल्कि असा की सिफत है। तो माना है सलातुस साअतिल उला, पहली घड़ी की नमाज, यानी जवाल के बाद जो पहली घड़ी है मुराद जोहर की नमाज है, या इससे मुराद हर वो नमाज है जो अव्वल वक्त में बाजमात अदा की जाती है। और बकलतुल हमका, इसमें तावील की गई है बकलतुल हब्बतिल हमका। तो अल हमका बकला की सिफत नहीं है बल्कि अल हब्बा की सिफत है, और हब्बा बीज को कहते हैं, और मैंने बताया था बकलतुन सब्जी और तरकारी को कहते हैं। तो बकलतुल हब्बतिल हमका, हमाकत वाले बीज की तरकारी, चूंकि यह सैलाब के बहने की जगहों में उगती है और नीस रास्ते में कदमों के रौंदने के मकाम में यह उगती है, इसलिए इसको बकलतुल हमका कहते हैं, क्योंकि यह ऐसी जगह उगती है जहां इसका नुकसान ही नुकसान है, कदमों तले रौंदी जाएगी या फिर सैलाब का पानी आकर इसको बहाकर ले जाएगा। तो मैंने बताया लुगत की किताबों में उर्दू के अंदर इसका नाम जो है खुरफे का साग लिखा है, तो यह कोई खास साग की किस्म होगी, तो ये बकलतुल हमका है भाई। तो मस्जिदुल जामिया में क्या तावील की, मस्जिदुल वक्तिल जामिया, तो ये अल जामिया मस्जिद की सिफत ही नहीं है, ये तो अल वक्त की सिफत है, और नीज मस्जिद की इजाफत अल जामिया की तरफ हो ही नहीं रही, मस्जिद की इजाफत तो अल वक्त की तरफ हो रही है। तो बहरहाल मस्जिदुल जामिया किस तावील में है, मस्जिदुल वक्तिल जामिया। और फिर इसमें साहिबे जामी ने बतलाया था कि उलमाए नहव ने यह जिक्र किया है, इसके दो माना हो सकते हैं। उलमाए नहव ने क्या लिखा है कि मस्जिदुल जामिया ये किस माना में है, मस्जिदुल वक्तिल जामिया के माना में है। तो इसके दो माना हो सकते हैं, एक माना ये कि यहां वक्त का लफ्ज मुकद्दर है, और अल मुकद्दरु कल मजकूर, मुकद्दर भी किसकी तरह होता है, मजकूर की तरह, गोया यहां वक्त का लफ्ज मजकूर है, और फिर इस तरह दो वजहों से जवाब बन जाएगा। एतराज क्या था, मस्जिदुल जामे मौसूफ की इजाफत हो रही है सिफत की तरफ, तो जवाब यह कि मस्जिदुल वक्तिल जामिया कि मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ हो ही नहीं रही, मस्जिद की इजाफत तो अल वक्त की तरफ हो रही है, और नीज अल जामे वो मस्जिद की तो सिफत ही नहीं है, वो तो अल वक्त की सिफत है। तो दो वजहों से जवाब हो गया। और दूसरी सूरत यह है, दूसरा माना इसका यह हो सकता है मस्जिदुल वक्तिल जामिया का, कि यहां पर अल वक्त का लफ्ज महजूफ है, यानी पहले था अब जा चुका है, और अल जामिया ने उसकी जगह पकड़ ली है, और यह सिफात गालिबा के दर्जे में हो गया। यह अल जामे किसके दर्जे में हो गया, सिफात गालिबा वो सिफतें जहां पर मौसूफ को जिक्र किए बगैर ही वो मौसूफ पर भी दलालत कर देती हैं। जैसे अस्वद का माना था हर काली चीज, लेकिन मैंने बताया आहिस्ता आहिस्ता ये काले रंग के सांप का नाम पड़ गया, अब सिर्फ अस्वद कहो
तो ये उस सांप पर दलालत कर देती है। यहां मौसूफ को जिक्र करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर भी अल जामिया कहो तो इससे अल वक्तुल जामिया मुराद होता है, यानी ये अल जामिया, ये अल वक्तुल जामिया के कायम मकाम हो गए। अल जामिया से क्या समझ में आता है? अल वक्तुल जामिया। देखो मौसूफ को जिक्र नहीं किया लेकिन खुद ब खुद उसे समझ में आ जाता है। तो यह सिफत गोया मुश्तमिल हो गई मौसूफ पर भी। पहले क्या माना बयान किया कि मस्जिद की इजाफत अल वक्त की तरफ है, अल जामे की तरफ नहीं। और दूसरा माना यह हो सकता है कि अल वक्त था यहां, वो जा चुका, अल जामिया ने उसकी जगह पकड़ ली और मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ ही है। मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ ही है। अलबत्ता अल जामिया मस्जिद की सिफत नहीं है बल्कि अल वक्त की सिफत है। तो पहली सूरत में दो वजहों से जवाब था कि मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ है ही नहीं बल्कि अल वक्त की तरफ है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इस सूरत में मस्जिद की इजाफत अल जामे की तरफ ही है। और नीज उसमें कि अल जामे मस्जिद की सिफत नहीं है बल्कि वक्त की सिफत है, और वो चीज यहां पर भी है कि ये अल जामे मस्जिद की सिफत नहीं है, मुजाफिल है तो है लेकिन मस्जिद की सिफत नहीं बल्कि अल वक्त महजूफ की सिफत है। बात समझ में आ गई। और कहते हैं यही दोनों एहतेमाल जारी होंगे बखलतुल हमका में भी और सलातुल उला के अंदर भी। बात समझ में आ गई। अलबत्ता जानिबुल गर्बी के अंदर यह तावील जारी नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि जानिबुल गर्बी के जरिए मकसूद क्या है? जानिब को गर्बी के साथ मौसूफ करना मकसूद है कि मगरबी जानिब। क्या माना है जानिबुल गर्बी का? मगरबी जानिब। तो जानिब को मगरबी के साथ मौसूफ करना मकसूद है। और अगर आपकी तावील ली जाए तो क्या बन जाएगा? जानिबुल मकान इल गर्बी। ये मालूम हुआ मकान को मगरबी के साथ मौसूफ करना मकसूद है और उस मकान की एक जानिब जो है वो जिक्र हो रही है। कैसे? जानिबुल मकान इल गर्बी, ऐसा मकान जो मगरबी है उसकी एक जानिब। देखो जानिबुल मकान इल गर्बी, मकान और अल गर्बी क्या बन गए? मौसूफ सिफत, मगरबी मकान, और इसकी इस तरफ जानिब मुजाफ हो रहा है तो मगरबी मकान की जानिब, यानी ऐसा मकान जो मगरबी तरफ है उसकी एक जानिब। तो यहां पर देखो जानिबुल गर्बी के अंदर इस जानिब को मगरबी के साथ मौसूफ करना मकसूद है, वो मकान जो है जिसकी ये जानिब है उस मकान को मगरबी के साथ मौसूफ करना मकसूद नहीं है। तो हां कहते हैं अलबत्ता इसका एक कमजोर ये जवाब दिया जा सकता है कि यहां दो किस्म के मकान हैं, एक कुल एक जुज। जैसे मैंने वो मिसाल समझाई थी आपको कि आप एक डब्बा बना लें कॉपी पर, ये डब्बा मसलन ये कुल है और इस कुल की मगरबी जानिब जो है एक अंदर ही की तरफ एक और जुज भी बना लें, तो ये कुल हुआ और वो एक मगरबी तरफ क्या हुआ? जुज हुआ। ये कुल भी मकान और ये जुज भी इसका मकान, और ये जो जुज है ये मगरबी मकान है। ये क्या है? मगरबी तरफ है ना, तो ये कुल भी मकान और वो जुज भी मकान, और वो जुज किस जानिब है? मगरबी तरफ है, तो ये मगरबी मकान हुआ और जानिब भी यही है, यही यानी ये जो जानिब की इजाज़त, देखो जानिबुल मकान इल गर्बी, ये तो आपने तावील क्या की कि गर्बी को जानिब की सिफत नहीं बनाया बल्कि किसकी सिफत बनाया? मकान की। मालूम हुआ मकान मगरबी है, जानिब ऐसी जानिब मगरबी नहीं, तो मकान मगरबी है और ये कुल के अंदर ये जो जुज है ये भी कौन सा जुज है? मगरबी मकान है, मगरबी जानिब मगरब की तरफ है, तो ये मगरबी मकान हुआ। और ये जो जानिब की इजाफत हो रही है मकान की तरफ, ये इजाफत बयानी है। जानिब की जो इजाफत हो रही है जानिबुल मकान इल गर्बी, ये मगरबी मकान की जानिब। तर्जमा समझ में आ रहा है? जानिबुल मकान इल गर्बी, ये मगरबी मकान की जानिब। तो लिहाजा इसके अंदर ये जो जानिब की इजाफत हो रही है मकान की तरफ, ये इजाफत बयानिया है। और मैंने बताया था इजाफत बयानिया किसे कहते हैं? जिसमें मुजाफ और मुजाफिले एक ही होते हैं, मुजाफिले मुजाफ ही का बयान करता है। तो मालूम हुआ वो जो मकान गर्बी है, वो जो जुज है, वो जो आपने मकान एक कुल बनाया और एक जुज, ये जुज क्या है? ये मकान गर्बी है, ये मकान गर्बी है और यही जानिब भी है, ये इस कुल की एक जानिब भी है और मगरबी मकान भी है। तो ऐसी जानिब जो कि मगरबी मकान है। बात समझ में आ गई।
तो गोया दो मकान हो गए, जुज भी और कुल भी। और ये जुज जो है ये मगरिबी है और ये यही वो जानिब भी है भाई। तो बहरहाल ये कमजोर सा जवाब दिया साहिब जामी ने, बात समझ में आ गई। और दूसरा जाब्ता साहिब काफिया का यह था कि सिफत की इजाफत भी मौसूफ की तरफ नहीं की जा सकती, उस पर भी एतराज होता था कि हमने तो अरबों से सुना है कि वो जर्दु कतीफतिन कहते हैं और वो अखलाकु सियाबिन कहते हैं और इसमें तो सिफत की इजाफत हो रही है मौसूफ की तरफ। तो उसमें भी साहिब काफिया ने फरमाया कि तावील की गई है। क्या तावील की गई है? वो साहिब जामी ने बयान की। साहिब जामी फरमाते हैं कि असल में था सियाबुन अखलाकुन, सियाब मौसूफ था, अखलाक उसकी सिफत, फिर इस मौसूफ सियाबुन को हजफ कर लिया गया और ये अखलाकुन रह गया और ये सिफत है, फिर ये जो सिफत है ये इसम के दर्जे में हो गई। ये किसके दर्जे में हो गई? इस भाई सिफत के लिए मौसूफ जरूर चाहिए, या लफ्जों में होगा या मुकद्दर होगा, लेकिन ये फिर गोया किसके दर्जे में हो गई? इसम के दर्जे में हो गई। तो ये अब मौसूफ का तकाजा नहीं कर रहा, लेकिन क्या चीज पुरानी है भाई, इसकी जिंस का पता नहीं चल रहा। कोई चीज है जो पुरानी है लेकिन जिंस क्या है पता नहीं, तो लिहाजा फिर इसकी इजाफत सियाब की तरफ कर दी, तो अब इसकी जिंस का पता चल गया। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे खातमु फिज्जतिन, चांदी की अंगूठी, सिर्फ खातम कहो तो जिंस का पता नहीं चलता कि किस चीज की है ये अंगूठी, और जब फिज्जा की तरफ इजाफत की तो जिंस का पता चल गया कि अंगूठी चांदी की है। यहां पर भी जब सिर्फ अखलाक था तो पता नहीं चल रहा था यह पुरानी चीज कौन सी है, तो आगे उसकी इजाफत जब सियाब की तरफ कर दी तो पता चला कि ये पुरानी जींस क्या है, कपड़ों की जींस मुराद है, किसी और चीज की जींस मुराद नहीं। इसी तरह कतीफतुन जर्दुन, घिसी हुई मखमली चादर, ये बोसीदा मखमली चादर भाई। अब इसके अंदर भी कतीफा को हजफ कर दिया गया और फिर जर्द रह गया और फिर ये इसम के दर्जे में हुआ। जब ये इसम के दर्जे में हुआ, घिसी हुई चीज भाई क्या चीज है, जिंस का पता नहीं चल रहा, तो फिर इसकी इजाफत कतीफा की तरफ कर दी गई, तो जर्दु कतीफतिन हुआ और अब जिंस का पता चल गया कि ये घिसी हुई चीज किस जिंस से है, मखमले चादर की जिंस से है। ये बेबाल चीज किस जिंस से है, मखमली चादर की जिंस से है, बात समझ में आ गई। तो ये जवाब साहिब जामी जिक्र करेंगे। देखिए भाई अब आज के सबक पर कहते हैं वैय रिदु अलल काइदत सानियति, और एतराज वारिद होता है दूसरे कानून पर, वह हुआ कौलुहु, और वो साहिब काफिया का ये कौल है, वला सिफतुन इला मौसूफिहा, और सिफत की इजाफत भी मौसूफ की तरफ नहीं हो सकती, उस पर एतराज वारिद होता है, मिसलु जर्दु कतीफतिन व अखलाकु सियाबिन, जर्दु कतीफतिन और अखलाकु सियाबिन का एतराज होता है, इसलिए क्योंकि इनके अंदर यह जर्द सिफत है जिसकी इजाफत कतीफा मौसूफ की तरफ हो रही है, और अखलाकु सियाबिन में यह अखलाक सिफत है जिसकी इजाफत सियाब मौसूफ की तरफ हो रही है। तो कहते हैं फइन न असलहुमा कतीफतुन जर्दुन व सियाबुन अखलाकुन, इसलिए क्योंकि इन दोनों की असल जो है कतीफतुन जर्दुन और सियाबुन अखलाकुन है। देखो कतीफतुन मौसूफ है और जर्दुन उसकी सिफत, इसी तरह सियाबुन मौसूफ है और अखलाकुन उसकी सिफत। फिर कुद्दिमत सिफतु अलल मौसूफी, फिर उस सिफत को मौसूफ पर मुकद्दम कर दिया गया, व उजीफ इलैही, और फिर उस सिफत की उस मौसूफ की तरफ इजाफत कर दी गई, व उजीब अनहु बि अन्नहु मुतअव्वलुन, और इस एतराज से यह जवाब दिया गया है कि इसमें तावील की गई है, बि अन्नहुम हज़फू कतीफतम मिन قولهم قطيفة جرد कि अरबों ने हजफ कर लिया कतीफा को, मिन قولهم قطيفة جرد قطيفة جرد से, तवज्जो है वही बात जो मैंने जिक्र की थी, बयान करेंगे कि असल में क्या था قطيفة جرد, फिर قطيفہ موصوف को क्या कर दिया, हजफ कर दिया, तो जर्दुन रह गया, और जर्दुन क्या है, सिफत है, फिर यह किसके दर्जे में हो गई, इसम के दर्जे में। जब इसम के दर्जे में हुई तो अब इतना तो पता चल रहा है कि वो सीधा और घिसी हुई कोई चीज है, लेकिन क्या चीज है जिंस का पता नहीं, जैसे खातम बोले तो जिंस का पता नहीं चलता, फिर इसकी अब इजाफत उस कतीफा की तरफ कर दी, वो जो मौसूफ हजफ कर दिया था, बात समझ में आ गई उसकी तरफ। तो कहते हैं बयान नहुम हज़फू कतीफतम मिन कौलिहिम कतीफतुन जर्दुन, बाई सूरत के अरबों ने कतीफा को हजफ कर लिया अपने इस कौल कतीफतुन जर्दुन से, हत्ता सारा का अन्ना हुस्मुन गैर सिफतिन, तो ये जर्द जो है ऐसे ही हो गया गोया कि ये इसम हो, गैर सिफतिन सिफत न हो,
फलम्मा कसदू तख्सीसहू, बस जब फिर जब इन्होंने इसकी तख्सीस का इरादा किया, लिकौन ही सालिहन लि अन यकूना कतीफतन वगैरहा, इसलिए क्योंकि इसमें सलाहियत है कि यह हो सकता है कतीफा हो या गैर कतीफा हो, मिसल खातमिन जैसे कि अंगूठी है, फी कौन ही सालिहन लि अन यकूना फिज्जतन वगैरहा, क्योंकि अंगूठी में भी सलाहियत है कि हो सकता है वो चांदी हो या चांदी के अलावा हो। तो चुनाचे जब उन्होंने तख्सीस का इरादा किया तो अज़ाफूहु इला जिन्स हिल्लदी यतखस्ससु बिही, तो फिर इन्होंने इस जर्द की इजाफत कर दी इसकी जिन्स की तरफ, अल्लदी यतखस्ससु बिही, जिसके जरिए इसमें तख्सीस आ गई, कमा अज़ाफू खातमन इला फिज्जतिन, जैसे अरबों ने खातम की इजाफत की फिज्जा की तरफ, फलैसा इजाफतुहु इलैहा मिन हैसु इन्नहु सिफतुन लहा, तो ये जो जर्द की इजाफत कतीफा की तरफ हो रही है ये इस हैसियत से इजाफत नहीं है कि ये जर्द सिफत है और कतीफा इसका मौसूफ है, बल्कि ये इस हैसियत से इजाफत हो रही है कि ये कतीफा इसकी जिन्स है, ये इसकी जिन्स है। तो ये माना है, कहते हैं फलैसा इजाफतुहु इलैहा मिन हैसु इन्नहु सिफतुन लहा, तो ये जो जर्द की इजाफत हो रही है कतीफा की तरफ ये इस हैसियत से नहीं है कि ये जर्द उस कतीफा की सिफत है, बल मिन हैसु इन्नहु जिन्सुन मुबहमुन, बल्कि जर्द की इजाफत हो रही है कतीफा की तरफ इस हैसियत से कि जर्द एक जिन्स मुबहम है, उजीफ इलैहा, इसकी इजाफत कतीफा की तरफ कर दी गई, लियतखस्ससा, ताकि ये तख्सीस पा ले, तख्सीस हासिल कर ले, वाला हादल कियासी अखलाक सियाबिन, और इसी कियास पर है अखलाक सियाबिन भी। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए भाई, सिर्फ मतन मतन देखिए, कहते हैं वला युजाफ उस्म मुमासिल लिल मुजाफ इलैहि फिल उमूम वल खुसूसी कल्लैस व असदिन व हबस व मनइन लिअदम अल फाइदति بخلاف كل الدراهم وعين الشيء فإنه يختص به। इबारत मिल गई भाई। अब देखिए एक और अलग जाब्ता बयान कर रहे हैं साहिब काफिया। पहले मतन मतन देखिए, कहते हैं वला युजाफ उस्मुन मुमासिलुन लिल मुजाफ इलैही जी, बल्कि पहले समझ लीजिए, यहां से साहिब काफिया आपको बतलाएंगे कि याद रखो एक है मुजाफ और एक है मुजाफुन इलै। याद रखो मुजाफ और मुजाफिले को उमूम और खसूस में बराबर नहीं होना चाहिए, वरना इजाफत का कोई फायदा नहीं होगा। मुजाफ और मुजाफिले को उमूम और खसूस में एक जैसा नहीं होना चाहिए, वरना इजाफत का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये इजाफत सही नहीं, अगर दोनों उमूम और खसूस में एक जैसे हो, मुजाफ के मुजाफ में भी उतना ही उमूम है जितना मुजाफिले में। भाई देखिए ये जो मुजाफ है इसने मुजाफिले से या तारीफ अखज करनी है या तख्सीस अखज करनी है, तो अगर मुजाफ इसके बराबर दर्जे का है तो ना ये उससे तारीफ अखज कर सकता है और ना तख्सीस। जैसे आगे मिसाल जिक्र करेंगे, लैसुन व असदुन, लैसुन लाम या और सा, तो लैसुन का माना भी शेर, असदुन का माना भी शेर, तो ये दोनों मुतरादिफ हैं भाई, ये दोनों क्या हैं, लैसुन भी असद को कहते हैं, वो हैवान मुफ्तरिफ जंग जो चीरने फाड़ने वाला दरिंदा है, और असद भी हैवान मुफ्तरिस उस शेर को कहते हैं, और दोनों में एक ही बराबर उमूम खसूस है, यानी जिस पर लैस सादिक आता है उसी पर असद भी सादिक आता है। तो अब इनकी इजाफत का कोई फायदा नहीं, आप मसलन लैस की इजाफत करते हैं असद की तरफ, रअईतु लैसा असदिन, मैंने एक शेर का शेर देखा, कोई फायदा हुआ शेर का शेर भाई, कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप यूं कह दें मैंने एक शेर देखा, मैंने एक शेर देखा, इसका भी वही माना, और रअईतु लैसा असदिन, मैंने शेर का शेर देखा, इसका भी वही माना है, तो इजाफत का कोई फायदा ही नहीं हुआ, लिहाजा ये इजाफत जायज नहीं। तो दो इसम जो एक दूसरे के मुशाबे हैं उमूम और खसूस में, उनमें से एक की इजाफत दूसरे की तरफ जायज नहीं है। जैसे एक मिसाल लैस और असद जिक्र करेंगे साहिब काफिया, और एक मिसाल जिक्र करेंगे हब्स व मना। हब्स का माना भी रोकना, मना का माना भी रोकना, तो यहां इजाफत
करें या ना करें बात एक ही रहती है। आप सिर्फ हबस कह दें उसका माना भी रोकना, आप सिर्फ मना कह दें उसका माना भी रोकना, और आप हबसु मनइन कह दें रोकने का रोकना, कोई नया फायदा आया ही नहीं। लिहाजा इस तरह की इजाफत जायज नहीं। तो देखिए मतन कहते हैं वला युजाफ उस्म मुमासिलुन लिल मुजाफी इलैही, और इजाफत नहीं की जाएगी ऐसे इसम की मुमासिलुन लिल मुजाफी इलैही जो मुजाफिले के मुशाबे हो, फिल उमूमी वल खुसूसी उमूम और खुसूस में, कलैसिन व असदिन जैसे लैस और असद, लैस का माना भी शेर, असद का माना भी शेर, व हबसिन व मनइन और जैसे हब्स और मना, हब्स का माना भी मना करना और मना का माना भी मना करना। बात समझ में आ गई। दो किस्म की मिसालें जिक्र कर दी साहिबे काफिया ने, एक लैस व असद की और एक हब्स व मना की। लैस व असद जो है वो ऐन की मिसाल है और हब्स व मना जो है वो माना की मिसाल है। देखो लैस और असद किसे कहते हैं, शेर को, और शेर का अपना अलग वजूद है खारिज में, शेर का अपना अलग वजूद है। तो ये मिसाल हुई ऐन की। ऐन उस चीज को कहते हैं जिसका अपना अलग वजूद हो, जैसे पत्थर, किताब, पहाड़। ये देखो जो जो मैं जिक्र कर रहा हूं इनका अपना अलग वजूद है, पत्थर का भी अपना अलग वजूद है, इंसान का भी अपना अलग वजूद है, दरख्त का भी अपना अलग वजूद है। तो ये सब क्या है, ऐन। ऐन किसे कहते हैं, जिसका अपना अलग वजूद हो। और एक है माना, माना जिसका जिसका वजूद अलग नहीं होता, वो जहन में आने वाली एक चीज तो है लेकिन इसका अपना अलग कोई वजूद नहीं है। जैसे देखो, जैसे देखो हब्स व मना, हब्स व मना माना की मिसालें हैं, ये दोनों मस्दर हैं। हब्स का माना भी मना करना रोकना, और मना का माना भी मना करना और रोकना, तो ये दोनों मस्तर हैं। और ये मैं पहले बयान कर चुका हूं कि मस्तर एक माना का नाम है, इसका खारिज में कोई वजूद नहीं, इसका खारिज में कोई वजूद नहीं। जैसे देखो हंसना, हंसना मस्तर है और आपको खारिज में कभी हंसना नजर नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, एक माना है। हां आपको जो नजर आएगा वो इस हंसने के फेल से जो सूरत हासिल होगी वो नजर आएगी, यानी आपको हंसी नजर आएगी, हंसना नहीं। हंसना तो एक फेल है, इसका तो खारिज में वजूद ही नहीं है। जब खारिज में वजूद ही नहीं है तो नजर कैसे आएगा। हां इस हंसने के फेल से एक सूरत बन गई और उसको क्या कहते हैं, हंसी। ये है हासिल बिल मस्तर, मस्तर से जो सूरत और हैअत हासिल हुई इसको क्या कहते हैं, हासिल बिल मस्तर। तो खारिज में आपको हंसना नहीं नजर आता, हंसी नजर आती है, और वो मस्तर नहीं है, वो हासिल बिल मस्तर है। इसी तरह खारिज में आपको दौड़ना नहीं नजर आता, खारिज में आपको दौड़ नजर आती है क्योंकि दौड़ना ये है मस्तर, और इस दौड़ने के फेल से जो सूरत बनी उसको क्या कहते हैं, दौड़ कहते हैं। तो आपको दौड़ नजर आ रही है खारिज में, दौड़ना नजर नहीं आ रहा। तो मस्तर का खारिज में कोई वजूद नहीं, लिहाजा मस्तर दिखाई नहीं देगा। हां मस्तर से जो हैअत और सूरत हासिल होगी जिसे हासिल बिल मस्तर कहते हैं वो हमें खारिज में नजर आती है। तो यहां पर भी एक मिसाल जिक्र की लैस व असद की, लैस व असद ऐन है, इनका अपना अलग खारिज में वजूद है, ये हमें आंखों से दिखाई देते हैं। और एक है हब्स व मना, और हब्स व मना ये तो मस्तर है और मस्तर का तो खारिज में कोई वजूद नहीं, वो तो सिर्फ माना का नाम है। तो एक मिसाल ऐन की जिक्र की और एक मिसाल माना की जिक्र कर दी। तो कहते हैं कलैसिन व असदिन जैसे कि लैस और असद जो है, व हब्सिन व मनइन और जैसे हब्स और मना जो है, लिअदमिल फाइदती, ये एक इस्म जब दूसरे इस्म के मुशाबे हो तो इजाफत नहीं की जाएगी, लिअदमिल फाइदती फायदा न होने की वजह से, बिखिलाफी कुल्लु दराहिमी व ऐनु शैई, बखिलाफ कुल्लु दराहिम और ऐनु शै फइन्नहु यख्तसु बिही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मुजाफ जो है वो खास हो जाता है मुजाफिले की वजह से, यानी उसमें मुजाफिले की वजह से इख्तिसास आ जाता है। जैसे देखो कुल्लु दराहिम का क्या माना, सारे दिरहम, कुल्लु दराहिम का माना सारे दिरहम। अब यहां देखो कुल की इजाफत हो रही है अद दराहिम की तरफ, और कुल वो आम है,
आम है, कुल का माना सारा का सारा। भाई क्या चीज सारी मुराद है? वो दिरहम भी हो सकते हैं, दीनार भी हो सकते हैं, किताबें भी हो सकती हैं, कलम भी हो सकते हैं। तो कुल जो है वो आम था, फिर अद्दराहिम जो है वो खास थे, उनकी तरफ इजाफत की कि किस चीज की सारी मकदार मुराद है? दराहिम की। तो अब इसमें देखो इख्तिसास आ गया, अब कुल से हर चीज मुराद नहीं है बल्कि दराहिम मुराद है, दराहिम की सारी मकदार मुराद है। तो लिहाजा ये जायज है। इसी तरह वह आइनुश्शई, देखो अश्शय अलिफ लाम इस पर है, अश्शय पर कोई खास और मुअय्यन चीज मुराद है। अश्शय से क्या मुराद है? खास और मुअय्यन चीज मुराद है। और आयन मुजाफ है, और आयन का तो माना है कोई भी चीज जिसका वजूद हो, तो इसमें उमूम था, लेकिन अश्शय खास है, कोई खास मुअय्यन चीज। तो उसकी तरफ जब इजाफत की तो ऐन जो है उसके अंदर भी इख्तिसास आ गया, मालूम हुआ बेआईन ही वो शय उसका वजूद मुराद है, किसी और शय का वजूद मुराद नहीं। ऐन क्या था? ऐन का क्या माना? जिसका अपना अलग वजूद हो, जैसे शेर का अपना अलग वजूद है, पत्थर का अपना अलग वजूद है। तो आयन तो कोई भी चीज हो सकती है जिसका अपना अलग वजूद हो, दरख्त भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, और शेर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है। लेकिन जब आयन की इजाफत कर दी अशय की तरफ, मालूम हुआ इस मुअय्यन शय का वजूद मुराद है, और चीजों का वजूद मुराद नहीं। तो आयन आम था और अशय खास था, खास मुअय्यन चीज मुराद थी। तो बेआईन ही यही चीज, यानी उसका वजूद वो मुराद हुआ। तो अब इसमें क्या आ गया? इख्तिसास आ गया। बात समझ में आ गई? जैसे कुल भी क्या था? आम था, कुल कोई भी चीज हो सकती थी। अद्दराहिम की तरफ इजाफत की तो पता चला इस कुल से हर चीज सारी नहीं मुराद बल्कि सारे दराहिम मुराद हैं। तो देखो इसके अंदर भी इख्तिसास आ गया। तो कहते हैं बिखिलाफी कुल्लु दराहिम व आइनु शैई फइन्नहु यख्तसु बिही, बखिलाफ जबकि आम की इजाफत हो रही हो खास की तरफ, जैसे कुल्लु दराहिम और आइनु शै है, फइन्नहु यख्तसु बिही, क्योंकि इसके अंदर जो मुजाफ है वो मुजाफिले की वजह से खास हो जाता है। क्या हो जाता है? खास। तो वो जायज है। आम की इजाफत तो खास की तरफ जायज है, लेकिन दो इसम जो एक दूसरे के मुशाबे हों उनमें से एक की इजाफत दूसरे की तरफ जायज नहीं है। अब इसको शरा के साथ देखें। कहते हैं वला युजाफ उस्मु मुमासिलुन अय मुशाबिहुन लिल मुजाफी इलैही, और इजाफत नहीं की जाती ऐसे इसम की जो मुमासिल हो यानी मुशाबे हो मुजाफिले के, फिल उमूम वल खुसूसी, किस चीज में मुशाबे हो? उमूम और खुसूस में, उसकी इजाफत नहीं की जाती। इला दालिकल मुजाफी इलैही, उस मुजाफिले की तरफ, सवा उनका ना मुतरादिफैनी। भाई देखिए, उमूम और खुसूस में बराबर होने की दो सूरतें हैं, या तो वो दोनों लफ्ज एक दूसरे के मुतरादिफ होंगे यानी दोनों का एक ही माना होगा, जैसे लैस का माना भी शेर, असद का माना भी शेर, तो जो दो लफ्ज जिनका माना बिल्कुल एक जैसा हो उनको मुतरादिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लैस और असद क्या हैं? मुतरादिफ हैं। इसी तरह हब्स और मना क्या हैं? मुतरादिफ हैं। तो चाहे वो दोनों उमूम और खुसूस में बराबर हैं, चाहे वो दोनों मुतरादिफ हों या मुतरादिफ तो नहीं है, लेकिन दोनों मुतसावी हैं। दोनों क्या हैं? यानी एक जिस पर सादिक आता है दूसरा भी उस पर सादिक आता है, जैसे अल इंसान और नातिक। इंसान और नातिक ये मुतरादिफ नहीं है। इंसान किसे कहते हैं? हैवान नातिक को। किसको? हैवान नातिक। इसके दो जूज हैं, एक हैवान और एक नातिक, और एक सिर्फ नातिक है। तो इंसान वो हैवान नातिक को कहते हैं, और नातिक वो इंसान का जूज है, कुल नहीं। तो इंसान और नातिक दोनों का माना एक नहीं है। इंसान का माना हैवान नातिक, और नातिक ये इंसान का एक जुज है, तो ये इंसान के मुतरादिफ नहीं है। हां अलबत्ता सिदक में दोनों मुसावी हैं, जो भी इंसान होगा वो नातिक जरूर होगा, तो दोनों मुतरादिफ तो नहीं, क्योंकि एक कुल है और एक जुज है, लेकिन दोनों सादिक एक जैसे आते हैं। जिस पर भी इंसान सादिक आएगा, दुनिया का कोई भी इंसान ले आए, वो उस पर नातिक भी सादिक आएगा कि वो नातिक भी है। तो दोनों इंसान और नातिक मुतरादिफ तो नहीं, लेकिन दोनों मुसावी हैं। किस चीज में? सिदक के अंदर, सादिक आने में।
किस चीज में? सादिक आने में, जिस पर एक सादिक आता है उस पर दूसरा भी सादिक आएगा, जिस पर इंसान सादिक आएगा उस पर नातिक भी सादिक आएगा, और जिस पर नातिक सादिक आएगा उस पर इंसान भी सादिक आएगा। तो ये दोनों मुतरादिफ तो नहीं, दोनों का माना तो एक नहीं, लेकिन सिदक के अंदर मुसावी हैं। जबकि जबकि लैस और असद वो तो मुतरादिफ हैं, उनका तो माना ही एक है भाई। लैस का माना भी शेर, असद का माना भी शेर। हब्स और मना दोनों मुतरादिफ हैं, हब्स का माना भी मना करना और मना करने का माना और मना का माना भी मना करना है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं सवा उनका ना मुतरादिफैनी, बराबर है कि वो दोनों इसम मुतरादिफ हों। कलैसिन व असदिन फिल आयानी वल जुससी, ये लैस और असद किस में से हैं? आयान और जुसस में। ये आया मैंने बताया, ये लैस और असद आयन की मिसाल है और हब्स और मना किसकी मिसाल है? माना की मिसाल है। तो फिल आयान इवल जुससी, आयान जमा है आयन की और जुसस जमा है जुस्सतुन की। जुस्सतुन जिसका जिसम हो, क्या हो? जिसम हो। देखो लैस और असद शेर को कहते हैं और शेर का जिसम है, और हब्स और मना वो तो एक माना का नाम है, उसका कोई जिसम और वजूद नहीं है। तो कहते हैं कलैसिन व असदिन फिल आयानी वल जुससी, ये आयान और जुसस में से ये मिसाल है। व हबसिन व मनइन फिल मानी वल अहदासी, ये किस में से है? मानी और अहदास के में से ये मिसाल है। मानी वही माना की जमा, अहदास अहदास याद रखो जमा है हदस की। अहदास किसकी जमा? हदस। और हदस तवज्जो से सुनो, हदस कहते हैं वो माना जो कायम बिल गैर हो, जिसका अपना अलग वजूद ना हो। हदस वो माना जो कायम बिल गैर हो, जो किसी गैर के साथ कायम हो, इसका अपना अलग वजूद ना हो। और वो मस्दर है, हदस क्या है? मस्दर है। मैंने अभी बताया मस्दर का अपना अलग कोई वजूद नहीं, ये किसी की सिफत होता है। जैसे देखो दौड़ना, दौड़ना ये आपको खारिज में नजर नहीं आएगा, ये एक माना है, ये किसी की सिफत होगी। मसलन जैद दौड़ रहा है तो ये दौड़ना जैद की सिफत है, और आपको दौड़ना नहीं नजर आएगा, आपको दौड़ नजर आएगी। तो ये दौड़ना एक हदस है। क्या है? हदस किसे कहते हैं? वो माना जो कायम बिल गैर हो, गैर की सिफत हो, इसका अपना अलग कोई वजूद ना हो। तो दौड़ने का अपना अलग कोई वजूद नहीं, ये जैद की सिफत है। जैद है तो दौड़ना भी है, जैद नहीं तो ये वाला दौड़ना भी नहीं है। इसी तरह हंसना, अमर हंसा, तो ये हंसना अमर की सिफत है, तो हंसना इसका अपना अलग कोई वजूद नहीं, इसके लिए कोई ना कोई मौसूफ जरूर चाहिए। कोई हंसने वाला होगा तो हंसना भी होगा, कोई हंसने वाला नहीं तो हंसना भी नहीं। और आपको हंसना खारिज में नजर नहीं आता, बल्कि आपको खारिज में हासिल बिल मस्तर यानी हंसी नजर आती है। तो ये जो माना गैर के साथ कायम है यानी ये जो मस्दर है, इसको क्या कहते हैं? हदस कहते हैं भाई। तो हदस मस्दर को कहते हैं, और वो माना जो गैर के साथ कायम हो और इसका अपना अलग वजूद ना हो, इसकी जमा अहदास है भाई। तो कहते हैं वह हब्स व मनइन, और जैसे कि हब्स और मना है फिल मानी वल अहदासी, मानी और अहदास में। औ गैर मुतरादिफैन, या वो दोनों गैर मुतरादिफ हों, बल मुतसावियैन फिस सिदकी, वो मुतरादिफ तो नहीं बल मुतसावियैन फिस सिदकी, बल्कि बराबर हैं सिदक के अंदर। कल इंसान व नातिकी, जैसे इंसान और नातिक, तो इसके अंदर भी इजाफत का कोई फायदा नहीं, तो इजाफत नहीं करेंगे। लिआदमिल फायदति फी दिक्रिल मुजाफी इलैही, इसलिए क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है मुजाफिले के जिक्र करने में। आप अगर आप कहते हैं रअईतु लैसा असदिन, तो रअईतु लैसन का माना भी मैंने शेर देखा, और अगर आप इजाफत करते हैं रअईतु लैसा असदिन, तो ये मुजाफिले के लाने का कोई फायदा नहीं, लिहाजा ये इजाफत जायज नहीं। ये माना है लियादमिल फाइदति फी दिक्रिल मुजाफी इलैही, इसलिए क्योंकि मुजाफिले के जिक्र में कोई फायदा नहीं। फइन्नका इदा कुलता रअईतु लैसा असदिन, इसलिए क्योंकि जब आप यूं कहें रअईतु लैसा असदिन इजाफत के साथ, तो ला युफीदु इल्ला मा युफीदुहु रअईतु लैसन, तो ये फायदा नहीं देता मगर वही जो फायदा देता है रअईतु लैसन। इससे जो फायदा है पहले जुमले से भी, रअईतु लैसन से क्या पता चला? मैंने शेर देखा। और रअईतु लैसा असदिन, इसके अंदर मुजाफिले आप ले आए लेकिन कोई फायदा नहीं, इसका भी वही माना मैंने शेर देखा, तो मुजाफिले लाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो कहते हैं फइन्नका इदा कुलता रअईतु लैसा असदिन, जब आप यूं कहें रअईतु लैसा असदिन इजाफत के साथ,
तो ला युफीदु इल्ला मा युफीदुहु रअयतु लैसन, तो फायदा नहीं देता ये कलाम मगर वही जो फायदा देता है। रअयतु लैसन जो है बिदून जिक्रिल असदी व इजाफती लैस इलैही, बगैर असद का जिक्र किए और बगैर लैस की इसकी तरफ इजाफत किए। भाई देखिए इबारत बस समझ लें, रअयतु लैस असदीन, इसमें आपने लैस के बाद असद को जिक्र किया यानी मुजाफिले को और उसकी तरफ लैस की इजाफत कर दी। यह कलाम भी वही फायदा दे रहा है जो रअयतु लैसन दे रहा है, और इस लैसन के अंदर आपने ना असद को जिक्र किया है आगे और ना उसकी तरफ लैसन की इजाफत की है। तवज्जो है, तो ये जो रअयतु लैसन है बिदून जिक्र असदी, ये असद के जिक्र के बगैर है, वह इजाफत लैस इलैही और लैस की उसकी तरफ इजाफत के बगैर है। फयकून जिक्र असदी व इजाफत लैस लगवन, तो इस सूरत में असद का जिक्र करना और लैस की उसकी तरफ इजाफत करना लगवन ये बेकार होगा। ला फायदा तफीह, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। बिखिलाफ इजाफत आम इलल खास, बखिलाफ इसके के आम की इजाफत की जाए खास की तरफ। फी मिसली, इस जैसी मिसालों में कुल्लु दराहिमी व आइनु शैई, तो कुल्लु दराहिम देखो कुल का माना सारी के सारी, सारी कोई भी चीज हो सकती थी, दिरहम दीनार किताबें कलम वगैरह, तो ये आम था और अद दराहिम क्या थे खास, तो अब कुल की इजाफत जब दराहिम की तरफ की तो इसमें भी इख्तिसास आ गया, मालूम हुआ कुल से सारे के सारे दराहिम ही मुराद हैं, कोई और चीज मुराद नहीं। इसी तरह वह आइन उशी, आइन का माना वो चीज जिसका वजूद हो, और अशय इस पर अलिफ लाम आया, या मालूम हुआ कोई मुअय्यन चीज मुराद है, तो आइन का माना तो वजूद, वजूद तो जैद का भी हो सकता है, अमर बकर खालिद किसी भी चीज का वजूद हो सकता है, तो यह आइन आम था लेकिन जब इसकी इजाफत अशय खास की तरफ कर दी तो इस ऐन में भी इख्तिसास आ गया, मालूम हुआ ये जो अशय है मुअय्यन चीज है इसी का वजूद मुराद है, किसी और चीज का वजूद मुराद नहीं। तो मालूम हुआ ये ऐन उशय, इसमें जब ऐन की इजाफत कर दी अशय की तरफ जो खास है, तो अब इस ऐन से हर चीज का वजूद नहीं मुराद बल्कि उस मुअय्यन चीज का वजूद मुराद है। फइन्नहु अयल मुज़ाफ़ फीहिमा यख्तस्सु बिही, बस इसलिए क्योंकि ये जो मुजाफ है फी हिमा इन दोनों मिसालों के अंदर, यख्तस्सु बिही अय्यसीरु खासन, ये वो खास हो जाता है भी सबब इजाफतिही इलल मुजाफ इलैही, बवजह मुजाफिले की तरफ इजाफत करने के। इन दोनों मिसालों में मुजाफ क्या हो गया है खास हो गया है, किसकी तरफ इजाफत से मुजाफिले, यानी कुल खास हो गया अद्दराहिम की तरफ इजाफत से, और आयन जो है ये खास हो गया अशय की तरफ इजाफत से। वला यबका अला उमूमी ही, और फिर ये मुजाफ अपने उमूम पर बाकी ना रहा, कुल और आयन जो है अब अपने उमूम पर बाकी ना रहे, तो कहते हैं इस सूरत में मुजाफ जो है वो खास हो जाता है। वला यबका अला उमूमी ही, और वह मुजाफ अपने उमूम पर बाकी नहीं रहता। सवा उन अफादतिल इजाफतु तारीफ अव तख्सीसा, बराबर है कि वह इजाफत तारीफ का फायदा दे या तख्सीस का। जब भी इधर देखिए आम की इजाफत करेंगे खास की तरफ तो वो आम जो है उसमें भी इख्तिसास आ जाएगा, और वो इख्तिसास तख्सीस की सूरत में भी आ सकता है और तारीफ की सूरत में भी आ सकता है। मालूम हुआ ऊपर जो आया था ना यख्तस्सु बिही, इससे तख्सीस नहीं मुराद, आपने पढ़ा था इजाफत मानवी दो चीजों का फायदा देती है, या तारीफ का या तख्सीस का, तो यहां जो यख्तस्सु आया इससे तख्सीस नहीं मुराद, इससे इसका माना यह है कि मुजाफ खास हो जाता है, मुजाफ और खास होना आम है चाहे तारीफ के साथ हो चाहे तख्सीस, मालूम हो ये जो इख्तिसास है ये वो तख्सीस मुराद यहां नहीं है। बात भी समझ में आई कि नहीं, फिर समझो आपने पढ़ा कि इजाफत मानवी किस चीज का फायदा देती है, तारीफ या तख्सीस का फायदा देती है, तारीफ और चीज है तख्सीस और चीज है, लेकिन यहां जो आया कि मुजाफ यख्तस्सु बिही, इस मुजाफिले की वजह से मुजाफ क्या हो जाता है खास हो जाता है, तो इस यख्तस्सु से वो तख्सीस नहीं मुराद, क्योंकि सिर्फ तख्सीस आती है या कभी तारीफ भी आती है,
तारीफ भी आती है, तो इस यख्तासू से सिर्फ वो तख्सीस नहीं मुराद बल्कि इसका माना है खास हो जाता है, और वो खास होना चाहे तारीफ की सूरत में हो चाहे तख्सीस, तो दोनों को ये शामिल है। इसीलिए कहा वला यबका अला उमूमी ही, और वो मुजाफ फिर अपने उमूम पर बाकी नहीं रहता, सवा उन अफादतिल इजाफतु तारीफ अवी तख्सीसा, बराबर है कि वो इजाफत तारीफ का फायदा दे या तख्सीस का, बस वो मुजाफ खास हो जाएगा, चाहे खास होना तख्सीस की सूरत में हो चाहे तारीफ की सूरत में हो। कहते हैं वह अहमियतुल आइन यानी शई इदा कान अल्लाह मुफी लिलाहदी जाहिरतुन, भाई मैंने बताया आइन, आइन किसे कहते हैं, आइन किसे कहते हैं, जिस चीज का वजूद हो, और यहां पर अशय पर अलिफ्लाम आया और अलिफ्लाम के जरिए किसी मुअय्यन चीज की तरफ इशारा है, मालूम हुआ अलिफ्लाम अहद खारिजी का हमने बनाया, अलिफ्लाम कौन सा बनाया, अहद खारिजी, अहद खारिजी यानी जो किसी मुतय्यन चीज की तरफ इशारा करे, तो अशय से कोई मुतय्यन चीज मुराद है और उसकी तरफ ऐन की इजाफत कर दी, तो ऐन का माना था वजूद और वो आम था, वजूद तो किसी भी चीज का हो सकता है, और अशय से मुराद थी खास चीज, तो ऐन की इजाफत जब अशय की तरफ की तो पता चला कि ऐन से अब बाकी चीजों का वजूद नहीं मुराद, इस शय का वजूद मुराद है, तो इस ऐन में भी क्या आ गया, इख्तिसास आ गया, तो इस ऐन में क्या आ गया, इख्तिसास। तो देखो एक है मुजाफ यानी ऐन और एक है मुजाफिले यानी अशय, और ऐन किसको कहते हैं, ऐन का माना वजूद, वो जिस चीज का वजूद हो, और अशय खास चीज, तो मालूम हुआ ऐन ज्यादा आम है किसके मुकाबले में, अशय के मुकाबले में, क्योंकि ऐन का क्या माना, कोई भी चीज जिसका वजूद हो, और अशय से क्या मुराद है, एक मुअय्यन चीज, तो लिहाजा इस सूरत में जब अशय के अंदर आप अलिफ्लाम अहद खारिजी का बना दें तो फिर ऐन का ज्यादा आम होना जाहिर है, ज्यादा आम होना जाहिर है, यही बयान कर रहे हैं। वह अहमियतुल आइनी, और ऐन का ज्यादा आम होना अनी शय उस शय से, इदा कान अल्लाम फीह लिल अहदी, जबकि लाम जो है इसके अंदर अहद का हो यानी अहद खारिजी का हो, जाहिरतुन, ये बात जाहिर है कि जब शय के अंदर लाम कौन सा हो, अहद खारिजी का हो, तो ऐन का उससे ज्यादा आम होना जाहिर है, ऐन आम हो गई और अशय खास हो गई, तो आम की इजाफत किसकी तरफ हुई, अखस की तरफ, तो ये इजाफत जायज है, हमने बताया था दोनों एक दूसरे के मुशाबे नहीं होने चाहिए उमूम और खसूस में। तवज्जो है, क्या बतलाया, यहां एक तरफ है ऐन, एक तरफ है अशय, और आपने ऐन की इजाफत करनी है शय की तरफ, लेकिन इन्होंने बताया था कि जब दो इसम एक दूसरे के मुशाबे हों उमूम और खसूस में फिर इजाफत जायज नहीं, तो अब बताना यह चाहते हैं कि ऐन आम है और अशय से में अलिफ्लाम अहदे खारजी का है, तो शय क्या हुई, खास, तो आम की इजाफत किसकी तरफ हो गई, खास की तरफ, तो इस सूरत में इस आम के अंदर भी इख्तिसास आ जाएगा इस मुजाफिले की वजह से, तो यह जायज है, यह जायज है, तो यह माना है। तो कहते हैं वह अहमियतुल ऐन यानी शय, और ऐन का ज्यादा आम होना यानी शय उस शय से, इदा कान अल्लाम फीह लिल अहदी, जबकि उस शय के अंदर वो जो लाम है वो अहद खारजी के लिए हो, तो इस सूरत में ऐन का ज्यादा आम होना यानी शय जाहिरतुन, वो जाहिर है। वह अम्मा इदा कान लिल जिनसी, और अगर अशय के अंदर अलिफ्लाम जिन्स वाला हो, फीह खफा उन, तो फिर इस आम होने में खफा है, फिर इसके अंदर खफा है, इसमें पोशीदगी है, यह पूरी तरह बात जाहिर नहीं। याद रखो शय जो है ना, शय शय के अद पर अलिफ्लाम अगर जिन्स के मुरा ले आए तो माना होगा जिन्स से शय, पहले अशय का क्या माना था, मुअय्यन शय, अब अगर आप अलिफ्लाम कौन सा बना लें, जिन्स वाला, तो माना हो जाएगा जिन्स से शय, और जिन्स से शय, जिनसे शय, याद रखो बाज कहते हैं शय का इतलाक सिर्फ मौजूद चीजों पर होता है, शय का इतलाक सिर्फ मौजूद, और बाज कहते हैं शय का इतलाक मौजूद पर भी होता है, मादूम पर भी होता है, मौजूद को भी शय कहते हैं, मादूम को भी शय कहते हैं, इंसान वो भी शय है, पत्थर वो भी शय है, दरख्त वो भी शय है, और इसी तरह कोई जिस चीज का वजूद नहीं है मादूम को भी शय कहते हैं, तो अलिफ्लाम अगर जिन्स का वाला आ जाए तो जिन से शय मुराद हो गई, वो मादूम भी हो सकती है और मौजूद भी, और ऐन तो किसको कहते हैं, सिर्फ मौजूद को,
एंड किसको सिर्फ मौजूद, और अश्य से कौन मुराद हो गए जो मौजूद हैं वो भी और मादूम है वो भी। फिर दोहराओ, ऐन से सिर्फ क्या मुराद जिनका वजूद है, और शय से क्या मुराद जिनका वजूद है वो भी मुराद ले सकते हैं, जिसका वजूद नहीं वो भी मुराद ले सकते हैं। तो इस सूरत में तो शय के अंदर ज्यादा उमूम आ गया, ऐन सिर्फ जिनका वजूद, और शय जो मुजाफिले है वो चाहे वजूद हो या वजूद ना हो सबको शय कह देते हैं। तो इस सूरत में तो मुजाफ खास हुआ, वो सिर्फ वजूद वाली चीजों पर ऐन बोला जाता है, और शय क्या हुआ आम हुआ, ये तो खास की इजाफत हो गई आम की तरफ, लिहाजा ये तो फिर जायज नहीं बनती। या एक सूरत यह है कि ऐन से भी मुराद ले लें मौजूद, और शय इसमें अलिफ लाम कौन सा ले लें जिनसी, और शय जो बात कहते हैं शय सिर्फ मौजूद चीज को कहेंगे, शय सिर्फ किसको कहेंगे मौजूद चीज को, तो ऐन का माना भी मौजूद चीज और शय का माना भी मौजूद चीज, तो अब तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, बात समझ में आ गई। लिहाजा ये जो हमने कहा ना ऐन उशय, ये सिर्फ उस सूरत में है जब अशय पर कौन सा अलिफ्लाम हो, अलिफ्लाम अहदे अहले खारजी का हो, फिर ये इजाफत जायज है, और अगर अलिफ्लाम जिन्स का हो तो फिर इस सूरत में इसके अंदर खफा है, फिर इस सूरत में या तो ऐन और शय मुसावी हो जाएंगे या शय जो है वो ज्यादा आम हो जाएगी ऐन के मुकाबले में, तो इजाफत जायज नहीं होगी। भाई बात समझ में आ गई, तो कहते हैं वह अम्मा इदा कान अलिल जिन्सी, और बाकी अगर अलिफ लाम जो है शय के ऊपर वो जिन्स के लिए हो, फफीहा खफा उन, तो फिर ऐन का ज्यादा आम होना इसमें खफा है, इसमें पोशीदगी है, ये बात पूरी तरह जाहिर नहीं कि किस तरह ये आम है, ऐन आम है और अशय खास किस तरह है, जब अशय पर अलिफ लाम कौन सा ले लिया जिन्सी, फिर तो ये शय को या तो ऐन के बराबर होना चाहिए या शय को ऐन से ज्यादा आम होना चाहिए। भाई बात समझ में आ गई, कहते हैं वयरिदु अला कौलिहिम ला युजाफ उस्मु मुमासिलुन लिल मुजाफ इलैहि फिल उमूम वल खुसूस। भाई इन्होंने एक जाब्ता जिक्र किया अभी, क्या जाब्ता था कि जब दो इसम एक दूसरे के मुशाबे हों तो फिर एक की इजाफत दूसरी की तरफ नहीं की जाती। हम आपको दिखाते हैं, हमने अरबों से सुना है कौलुहुम सईदु कुर्ज़िन, अरबों के कौल सईदु कुर्ज़िन, याद रखो सईद ये एक आदमी का नाम है और कुर्ज इसका लकब है, कुर्ज इसका लकब है, इसी आदमी का लकब है जो लोगों की तरफ से कौम की तरफ से किसी को नाम दिया जाता है वो है लकब, तो इसका अपना नाम क्या है सईद, और कौम की तरफ से इसको नाम क्या दिया गया कुर्ज, तो अब सईद भी उसी जात पे दलालत कर रहा है और कुर्ज बोले तो ये भी उसी जात पे दलालत करता है, तो दोनों एक दूसरे के मुसावी हो गए उमूम व खुसूस में। और आपने हमें बताया कि जब दो इसम उमूम व खुसूस में एक दूसरे के मिसल हो, एक दूसरे के मुशाबे हो, तो फिर इजाफत जायज नहीं, लेकिन हमने अरबों से सुना है वो कहते हैं सईद कुर्ज़िन इजाफत के साथ, ये तो दोनों इसम एक दूसरे के मुशाबे हैं उमूम व खुसूस में और फिर भी इजाफत की जा रही है, सईद से भी वही शख्स मुराद, कुर्ज से भी वही शख्स मुराद, तो वो कहते हैं सईद कुर्ज़िन इजाफत के साथ, हालांकि आपने हमें कहा फिर तो इजाफत जायज नहीं। तो उसका साहिब काफिया उसका भी जवाब देते हैं कि इसके अंदर भी तावील की गई है, सईद कुर्ज़िन के अंदर भी तावील की गई है, किस तरह तावील की गई है कि देखिए भाई, कहते हैं एक है इसम एक है मुसम्मा, एक है इसम एक है मुसम्मा, मैंने जैसे ही कहा जैद आपके जहन में फौरन आपका एक दोस्त है जिसका नाम जैद है उसकी सूरत आ गई, तो ये जो मैंने जुबान से कहा ये है इसम और वो जो आपके जहन में आया वो है मुसम्मा जिसको जिसका ये इसम है जिसका ये नाम है। ये यूं कहो एक है दाल एक है मदलूल, दाल दलालत करने वाला, मैंने जैसे ही जैद कहा तो इस लफ्ज ने किस पर दलालत की जाते जैद पर, फौरन आपके जहन में जाते जैद की सूरत आ गई। तो लिहाजा एक होता है इसम और एक होता है मुसम्मा, ये यूं कहो एक होता है दाल और एक होता है मदलूल। याद रखो कभी कभार इसम बोला जाता है और मुसम्मा मुराद होता है, मसलन मैंने कहा जा अनी जैदुन, जा अनी क्या माना मेरे पास ये लफ्ज़े जैद आया या मुसम्मा जैद आया,
मुसम्मा जैद आया, वो जिसका नाम जैद है वो मेरे पास आया, क्योंकि आने का फेल ये लफ्ज नहीं कर सकता बल्कि वो जात मुसम्मा कर सकता है। तो मैंने कहा जा अनी जैदुन, मैंने इसम बोला जैद, लेकिन मुराद कौन है? मुसम्मा। और कभी इसम बोलकर इसम ही मुराद होता है। मसलन मैं आपसे कहता हूं मैंने जैद लिखा, मैंने अभी वही लफ्ज मैंने जैद बोला है, मैंने जैद लिखा, तो इसमें ये जैद बोलकर जैद का लफ्ज ही मुराद है, यही लफ्ज मैंने लिखा है, उस मुसम्मा को नहीं लिखा। तो कभी इसम बोलकर मुसम्मा मुराद होता है और कभी इसम बोलकर इसम ही मुराद होता है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी सईद कुर्ज़िन, इसके अंदर तावील की गई है कि जो सईद है इससे सईद की जात मुराद ले लें, इसम ना मुराद लें बल्कि जात वो मुसम्मा मुराद ले लें, और कुर्ज से यही नाम लफ्ज मुराद ले लें। तो सईद कुर्ज़िन, सईद से क्या मुराद लिया? सईद का मुसम्मा या मदलूल कह लें वो जात जो है, तो सईद कुर्ज़िन और कुर्ज से यही लफ्ज मुराद ले लिया। तो मसलन मैंने कहा जा अनी सईद कुर्ज़िन, जा अनी सईद कुर्ज़िन, अब तर्जमा करो, मेरे पास कुर्ज का मदलूल आया था, मेरे पास कुर्ज की जात आई, ये जो कुर्ज नाम है इसका मदलूल मेरे पास आया था। तावील समझ में आई कि नहीं? कि सईद से पहले नाम से क्या मुराद ले लो, वो मदलूल, वो मुसम्मा। यहां सईद से इसम सईद नहीं मुराद बल्कि मुसम्मा मुराद है, और कुर्ज से इसम ही मुराद है, मुसम्मा मुराद नहीं। तो सईद कुर्ज़िन, अब आखिर से तर्जमा करो, जैसे गुलाम ज़ैदीन कैसे तर्जमा करते हैं, जैद का गुलाम, तो यहां पर भी सईद कुर्ज़िन, कुर्ज का मदलूल, मेरे पास कुर्ज का मदलूल, ये यूं कहो मेरे पास कुर्ज का मुसम्मा आया था, ये यूं कहो मेरे पास कुर्ज की जात आई थी। बात समझ में आ गई, हल हो गया जी। अब देखिए इबारत दोबारा कहते हैं वैया रिदु अला कौलिहिम, और नहवियों के इस कौल पर वारिद होता है ये जो साहिब काफिया ने जाब्ता जिक्र किया, ला युजाफ उस्मु मुमासिलुन लिल मुजाफी इलैही फिल उमूमी वल खुसूसी, कि ऐसा इसम जो मुजाफिले के मुशाबे हो उमूम और खुसूस में उसकी इजाफत नहीं की जाती। इस जाब्ते पर एतराज वारिद होता है, कौलुहुम सईद कुर्ज़िन, अरबों के कौल सईद कुर्ज़िन का एतराज वारिद होता है, फैन सईद व कुर्ज़न, इसलिए क्योंकि सईद और कुर्ज जो हैं इस्मान लि मुसम्मा वाहिदिन, वो इसम है एक ही मुसम्मा के, कलैसिन व असदिन, जैसे लैस और असद दोनों शेर को कहते हैं, मा अन्नहु उज़ीफ अहदहुमा इलल आखरी, बावजूद इसके कि इनमें से एक की इजाफत की गई है दूसरे की तरफ, फउजीब बी अन्नहु मुतअव्वलुन, तो इसका जवाब दिया गया कि इसके अंदर भी तावील की गई है, बिहम्लि अहदिहिमा अलल मदलूली, बई तौर के इन दोनों में से एक को महमूल किया गया है मदलूल पर, कि सईद से क्या मुराद है? मदलूल यानी मुसम्मा मुराद है, वल आखरी अलल लफ्ज़ी, और दूसरे को महमूल किया गया है लफ्ज पर कि इसे लफ्ज ही मुराद है, इसम ही मुराद है, फकअन्नक इदा कुलता जा अनी सईद कुर्ज़िन, तो गोया कि जब आपने यह कहा जा अनी सईद कुर्ज़िन, तो कुलता, तो गोया आपने यूं कहा है जा अनी मदलूल हाजल लफ्ज़ी, मेरे पास इस लफ्ज का मदलूल आया था, यह जो लफ्ज कुर्ज़ है इसका मदलूल मेरे पास आया था। हल हो गया, समझ में आ गई यह बात, मेरे पास इस लफ्ज हाजल लफ्ज की जगह कुर्ज ले आए तो बात वाजे हो जाएगी, जा अनी मदलूल कुर्ज़िन, मेरे पास कुर्ज का मदलूल यानी इस लफ्ज का मदलूल आया था, वलम यकूलू। अच्छा सवाल, सईद कुर्ज़िन कहा, कुर्ज सईदिन क्यों नहीं कहा? नाम की इजाफत की लकब की तरफ, भाई लकब की इजाफत कर देते नाम की तरफ, कहते हैं नहीं, यहां लकब को मुजाफ नहीं बना सकते, वजह यह कि यह जो इजाफत है उसके जरिए वजाहत मकसूद है। देखो एक होता है नाम, एक है लकब, नाम जो घर वालों ने रखा, लकब वो जो कौम वालों ने रखा, तो वो ज्यादा मशहूर होता है, लकब क्या होता है? ज्यादा। वो ज्यादा मशहूर होता है, तो लिहाजा जब इजाफत की ताकि मुजाफिले वजाहत का फायदा दे, पहले सईद को जिक्र किया, सईद से इतनी वजाहत नहीं थी, तो आगे कुर्ज की तरफ इजाफत की, अब पता चल गया कि कौन सा सईद मुराद है, वो जो कुर्ज है, तो बाद वाला आकर वजाहत करेगा पहले की, इसलिए बाद वाले को ज्यादा वाजे होना चाहिए और वो लकब ही है, लिहाजा उसको बाद ही में लाना पड़ेगा।
कहते हैं वलम यकूलू कुर्ज सईदिन, और अरबों ने कुर्ज सईद नहीं कहा, लिअन्न कस्दहुम बिल इजाफति तौज़ीहा, इसलिए क्योंकि उनका इरादा इजाफत के जरिए तौज़ीह का है, वजाहत का है। वल लकबु अवज़हु मिनल इस्मि गालिबन, और लकब जो होता है वो अक्सर जो है गालिबन जो है इसम से ज्यादा वाज़ह होता है। तो कहते हैं वल्लकब अवज़हु मिनल इस्मि गालिबन, और लकब जो है वो ज्यादा वाज़ह होता है इसम के मुकाबले में गालिबन अक्सर औकात, इसलिए इसम को मुजाफ बनाया और लकब को मुजाफिले, ताकि मुजाफिले से आकर मुजाफ की वजाहत हो जाए। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।